हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फंटासी विनर्स। दोस्तों, आज जो खबर मैं लेकर आया हूं, ये खबर उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ड्रीम इलेवन को चलाते हैं, जो ड्रीम इलेवन पर करोड़पति लखपति बनने का सपना देख रहे हैं। उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है, किस तरह से आप उस फ्रॉड से बच सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीटली जानकारी मैं देने वाला हूं। क्योंकि एक विनर्स के साथ बड़ा फ्रॉड हो गया और उस फ्रॉडी को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसको पुलिस ने पकड़ा है। ये ड्रीम इलेवन विनर्स के साथ बड़ा फ्रॉड करता था, जो लखपति करोड़पति बन जाते थे उनसे उन पैसे को लूट लेता था। किस तरह से लूटता था, क्या इसके साथ हुआ है, किस विनर्स के साथ इसने ऐसा किया है, क्यों इसको पुलिस ने पकड़ा है, सारी बातें डिटेल में आपके लिए बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी फ्रॉड हो जाए और आपका सारा पैसा डूब जाए। इसलिए वीडियो को ध्यान से देख लेना और साथ ही साथ ड्रीम इलेवन से रिलेटेड जो भी ताजा अपडेट मिलती है वो हम आपको देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है रेडियो। अगर आप ड्रीम इलेवन पर बहुत दिनों से खेल रहे हैं लेकिन नहीं जीत पा रहे हैं तो आप रेडियो पर भी आ सकता है, क्योंकि ड्रीम इलेवन खुद इसमें 900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसलिए आप रेडियो पर आइए, रेडियो का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करते ही 1600 रुपये आपको तुरंत मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहां पर आपको डिजिटल कार्ड्स बाय करने होते हैं प्लेयर्स के, और आप पहली बार अगर कार्ड्स बाय करते हैं तो 100% का कैशबैक भी फिलहाल आपके लिए रेडियो दे रहा है। इसके साथ साथ आपके लिए 6 फ्री गेम्स भी आपको दे रहा है कि आप खेलो और सीखो, और साथ ही साथ फ्री गेम्स खेलकर भी आप 6 बार पैसे कमा सकते हैं। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए आपको रेडियो पर आना है। अगर आपको रेडियो चलाना नहीं आता, टीम बनाना नहीं आता, तो उसका वीडियो भी मैंने आपको बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए उसे भी देख लीजिए और रेडियो को भी डाउनलोड कर लीजिए, 1600 रुपये पा लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक मैच हुआ था 4 अप्रैल 2023 को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस मैच में अनिल साहू ने 2 करोड़ रुपए जीत लिए, वो हरियाणा का रहने वाला, लेकिन उसके साथ बड़ा फ्रॉड हो गया। कुछ देर बाद उसकी ड्रीम इलेवन पर उसकी आईडी ही लॉगिन नहीं हो रही थी, क्योंकि वो एक हैकर्स का शिकार बन गया था, लेकिन पुलिस ने उसे बचा दिया। क्या मामला है, सुन लीजिए आराम से, मैं आपको पूरा मामला समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बचना है, क्या आपको नहीं करना है, इसके साथ जो हुआ वो आपके साथ भी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए। दरअसल दोस्तों, ड्रीम इलेवन ऐप पर 2 करोड़ रुपए के विनर की सिम पोर्ट करवाने और जीमेल हैक मामले में साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी को गुड़गांव से पकड़ लिया गया है, साथ ही उसके साथी आरोपी को भी नामजद कर लिया गया है। दोनों आरोपी जयंत इंडिया निधि लिमिटेड मिनी बैंक के 2 डायरेक्टरों के साथ मिलीभगत करके ड्रीम इलेवन विनर्स के साथ ठगी करते थे। बड़ी बात यह है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी होने से पहले ही साइबर थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कार्रवाई की है। एसपी रंजन दुष्यंत ने बताया कि इसी महीने ड्रीम इलेवन ऐप पर चंदेरिया निवासी अनिल ने, जो मैंने आपको बताया, और उसके पिता का नाम था नारायण लाल साहू, उसने 2 करोड़ रुपए जीते थे। इसके बाद कुछ ठगों ने अनिल साहू के नंबर को पोर्ट करवाकर जीमेल आईडी हैक कर ली। उन्होंने क्या किया कि उसके पास से मैसेज किया ड्रीम इलेवन कंपनी के नाम पर और उससे पूरे डॉक्यूमेंट मंगवा लिए, उनकी आईडी ले ली और उसी आईडी के चलते उसके नंबर को पोर्ट करवा लिया, एयरटेल की सिम में पोर्ट करवा लिया, और फिर उसने उन्होंने क्या किया कि पोर्ट से उसकी जो जीमेल को हैक कर लिया, और ड्रीम इलेवन आईडी के वॉलेट में जो पैसे पड़े हुए थे 1,47,89,800 रुपए, उन्हें निकालने की कोशिश की। अनिल साहू जब अपनी आईडी पर लॉगिन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी आईडी तो हैक हो चुकी थी, तुरंत उसने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, और पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए ड्रीम इलेवन ऐप को मेल किया और इन पैसों का ट्रांसफर रोकने के लिए कहा कि इन पैसों को ट्रांसफर नहीं करना है। यानी कि ये जो फरोड़ी था, इसका नाम लोकेश था और ये मथुरा का रहने वाला था। लोकेश जाट से जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो अपने दोस्त संदीप, जो पलवल का रहने वाला है, उसके साथ मिलकर अनिल साहू द्वारा जीते रुपयों को हड़पना चाहता था। इसके लिए दोनों ने क्या किया, ड्रीम इलेवन फर्जी ईमेल आईडी बनाकर केवाईसी अनिल से मंगवा ली, उसी के आधार पर उसकी एयरटेल की सिम पोर्ट करवा ली। आरोपी लोकेश जाट और संदीप रावत ने साइबर फ्रॉड करने में बराबर के पार्टनर थे, ये दोनों बराबर के पार्टनर थे। इन्होंने पहले भी कई बार ड्रीम इलेवन में रुपए जीतने वालों के साथ इसी तरह फ्रॉड किया है, और सीधे सीधे दोस्तों अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ भी कर ली है कि ये क्या करते थे। जो मैंने आपको बताया वही करते थे। इसीलिए अगर आप आने वाले टाइम में विनर बनते हो तो सबसे पहली बात कि ड्रीम इलेवन किसी भी को फोन नहीं करती है, किसी से उसका आईडी जीमेल पर नहीं मांगती है। इसलिए अगर आप विनर बन जाते हो तो कोई भी कॉल या मैसेज आपको आता है तो उसे इग्नोर करना है। किसी को अपना केवाईसी नहीं देनी है, ना तो अपना नंबर देना है, ना आधार कार्ड देना है, ना पैन कार्ड देना है, सीधा सीधा अपनी केवाईसी ऐप में जाकर करनी है।
तो अगर आप बचना चाहते हो तो इन बातों को याद रखना और आप बच सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब